अपने युवाओं को अपनी संस्कृति को समझाने के लिए, इसलिए हमेशा हम लोगों के विचार रहते हैं। और अब हाँ में हाँ मिल जाए मतलब, तो हम लोग ये कहीं पथ के गाँव ही हैं, इसलिए मुझे हमारा श्री का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। कथा मंडप में से मेरा स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये इनका क्षेत्र है और हम इनके क्षेत्र में आया हूँ। तो आज मेरे स्वागत करने के लिए आप पधारे और आज हमारा श्री का आश्रम में देख के आए, बहुत अच्छा लगा। चकाचक होता रहे महाराज जी, और आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के श्री मयंकेश्वर शरण जी महाराज महाराज के बदन बैठ के भी महाराज बहुत अच्छा है। आपका स्वागत है और हमारे महोदय बता रहे हैं, संघ के व्यक्ति जो है आप बता रहे हैं, आप सबका स्वागत करते हुए पंकज जी का स्वागत। बाबू वहाँ ना चूहा बैठा है, यजमान है आज वेद आया है देव की नंदन ठाकुर जी महाराज का देखने के लिए। यहाँ पे बैठ के बाबू केला खा रहा है ना, यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। पंकज जी ये सब जानते हैं, महाराज जी भी जानते हैं, तो आपको ये अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं कि इसी कथा में जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, जितने भी भागवत प्रेमी हैं, बहुत सुंदर सा गिफ्ट, बहुत सुंदर सा गिफ्ट हमारे पंकज जी के द्वारा जनता जनार्दन को प्राप्त होने वाला है इसी कथा में। और हम लोग कर रहे हैं हमारे शहर में जो स्थान है, क्योंकि पादुका सेवा को भी हमने सेवा किया है, मंदिर को आज यहाँ पर है, मंदिर भी कल से वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आपके एंट्री रखने जाए शहर में और फिर प्रसाद की व्यवस्था भी शिफ्ट होगी और काफी स्थान भी हमको मिल जाएगा भक्तों को बैठाने के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग आते रहिए, ये ना सोचे कि वहाँ पैक हो गया तो कैसे मैं जगह नहीं मिली। आपकी उचित व्यवस्था बनाने के लिए माननीय हमारे विधायक जी सुनी नहीं जाती, इसलिए आप लोग बैठे जितनी देर में बैठे और लाइक मेरे राइट साइड में आ जाए और वहाँ आकर बैठ कर कुछ कार्यकर्ताओं से मिल जाए। और राइट साइड में जो भी भक्त प्रसाद नीचे खड़े हैं, मेरा निवेदन रहेगा आप उधर आकर अभी बैठे, एलईडी वहाँ पर लगी है, वहां से आप लोग कथा का स्थान प्राप्त करते हैं, क्योंकि भागवत का एक नियम है जहाँ भागवत विराजमान हो जाए व्यास पीठ पर पूज्य महर्षि बैठ जाए तो वो आयोजन 7 दिन का वही संपन्न होना चाहिए। लेकिन इसको जिस प्रकार अपनी उपस्थिति यहाँ पर पहले दिन से ही रखी है और कर्मदात्री को जो माननीय हमारे पीएम खोल दो। और जब देखा गया था कि ग्राउंड बहुत आयोजन हुआ तो ये हुआ कि बड़ा ग्राउंड देखना चाहिए, तो वो बड़ा ग्राउंड रामलीला मैदान चयन किया गया है। लेकिन पहले ही दिन से देखने को मिला है कि रामलीला मैदान भी यहाँ पर भागवत और ये भव्य आयोजन हो जाता है और जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए सभी भक्तों का, जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं हमारे माननीय सांसद जी और साथ में पंकज गुप्ता जी और अरुण सिंह जी पानी किशन जी जोरदार कारण से माननीय मंत्री जी का भी हम सभी धन्यवाद हैं कि आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति से आयोजन में भव्य दिव्य आयोजन में मुझे लगता है वो अपनी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हमें ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे पंकज गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने तय कर लिया है कि
सेवा ही करेगी। पढ़ना बड़ा बनाना पड़ेगा, बल्कि जैसे छोटा पड़ गया अभी बाप पाए जाना, ये कह रहे बढ़ाए जाना, बड़ा बनाते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। बैठ जाओ, मम्मा पास बैठ जाओ।